वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बेबी शर्ट पर सिंपल और इजी एप्लिक वर्क डिज़ाइन करना सिखाऊंगी। अगर आप भी अपने घर में मौजूद कट पीसेस से बेबी की शर्ट बनाना चाहते हैं एप्लिक वर्क में, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये पेपर मैंने कटिंग कर लिया है, ये देखिए आप, ये आप अपने हिसाब से कर लेना। इसे फोल्ड करके हमने ये गले की कटिंग करनी है। ये देखिए, ये हमारा गला कटिंग हो गया है। अब हम एप्लिक की पट्टी के लिए यहाँ से कटिंग करेंगे, दूसरा कपड़ा लेंगे, ये रखकर अभी हम गले पर रखेंगे। इसे खोलकर इसके ऊपर रखकर यहाँ से सिलाई लगा देंगे। मैंने ये सिलाई लगा दी, अब इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करके आयरन कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने प्रेस कर दिया है। अब हम दूसरी लगाएंगे पट्टी, लेकिन वो ध्यान रहे इससे थोड़ी बड़ी हो, 1.5 इंच या 2 इंच। ये मैंने कटिंग कर ली है, दूसरी इस तरह लगानी है। ये इस तरह रखकर यहाँ पर हम सुई से तरपाई कर देंगे। ये देखिए, ये बड़े बड़े टांके लगाकर मैंने इसकी तरपाई कर दी है। अब हम बनाएंगे दामन। अब मैंने ये 5 कलर की पट्टियाँ कटिंग करनी है। आपने जितने कलर डालने हैं आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। मैं दामन की बैक साइड पे लगाकर सिलाई लगाऊंगी, जिसे गले पर किया था। देखिए, ये मैंने बॉर्डर तैयार कर लिया है। इस तरह से सब कलर इसमें ऐड कर दिए हैं। आपको जो कलर ऐड करनी है आप वो लगा सकते हैं। ये देखिए, ये सिलाई लगाकर इसे इस तरह फोल्ड किया है। ये सब इसी तरह किए हैं, उल्टी साइड सिलाई लगाकर फिर सीधी साइड फोल्ड किया है। फोल्ड करके प्रेस कर दें इसे।
ये देखें फ्रेंड, ये मैंने सेंटर पर आयरन से प्रेस करके निशान बना दिया है। अब मैं यहाँ पर एक पट्टी लगाऊंगी इस तरह। अब मैं इसकी तरपाई कर दूंगी। ये देखें, ये मैंने सारी पट्टियाँ डाल दी हैं इसमें। ये मैंने बाजू भी तैयार कर दिए हैं। ये दूसरा बाजू, ये बाजू पे फुल काम होगा। अब हम इसे एक एक इंच पर निशान लगाकर, कट लगाकर तरपाई करते जाएंगे। ये हम पहले इसे कट लगा देंगे। इस सारी पट्टी पर हम कट लगा देंगे, फिर हम इसे छोटे छोटे स्टिच लगाकर तरपाई कर देंगे। ये देखें, ये मैंने कट लगा दिए हैं। अब हम इसे यहाँ से फोल्ड करके छोटे छोटे स्टिच लगाकर तरपाई कर देंगे। ये मेरी कस्टमर का ड्रेस है, ऐसे मैंने 3 बनाए हैं। लगा लिया है। अब ये सारे मैं इसी तरह लगा दूंगी और आपको अब इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी।